हेलो फ्रेंड्स, बेट्स एंड बाइट्स फिशिंग एडवेंचर ऑफ अंडमान के आज के हमारे एक और एक नए एपिसोड में फिर से एक मतलब आपका स्वागत आवाज़ बैठा हुआ है। सबसे पहले मैं उन सभी जो हमारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और मेरे जो वीडियोस हमारे चैनल का वीडियोस देखने वाले सभी फ्रेंड्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हमने ओपन सी फिशिंग किया और सवेरे के वक्त अमूमन जैसे हम निकलते हैं आज भी वैसे निकले। साथ में आज हमारे मोनू यानी साजिद और मेरे साथ में है मनाफ जो हैंडलाइन के किंग है और सामने कैप्टन अजीज। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ एक आज जीटी का शिकार किया है और कुछ हैंडलाइन में हमने खेला है। तो हैंडलाइन में हमने जो कैच किया है वो ये है और जिगिंग भी की है हमने, एक स्ट्राइक हुआ है इसमें जिगिंग में। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक मरतबा शुक्रिया अदा करूंगा जितने जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को काफ़ी कम समय में, आज मेरे तकरीबन 450 सब्सक्राइबर हैं, उन सभी का फिर से एक मरतबा शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, बेट्स एंड बाइट्स फिशिंग एडवेंचर ऑफ अंडमान के आज के हमारे नए एपिसोड में फिर से एक मतलब आपका स्वागत है। और आज हम एक नए स्पॉट की तरफ आए हैं और हमारे साथ आज नए मेहमान हैं, हमारे भाई मनाफ और साथ में है मोनू जिनका नाम है अब्दुल साजिद और सामने द कैप्टन अजीज और मैं सुलेमान। तो पॉपिंग हाल को रूस्टा पॉपर अजीज़ भी यूज़ कर रहे हैं और साजिद भी यूज़ कर रहे हैं और मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरा पसंदीदा जो लूर है वो है रपाला मैग्नम प्रे, क्योंकि हम तीनों जो हैं अगर पॉपर मारेंगे तो मज़ा आएगा नहीं, कोई एक जन जो है अंडर वाटर लूर विकास करना ज़रूरी है। मैं ये करूँगा कि तीनों जो है फिश को बुलाएगा और मैं कैच करूँगा। कपाल जो बिगिनर्स हैं, मैंने रपाला का ये मैग्नम प्रे जो लूर है इसमें अमूमन ट्रबल हुक लगा हुआ रहता है, छोटा है ट्रबल हुक, तो उस वजह से मैंने क्या किया, जिग में जो जिग के लिए जो असिस्ट हुक यूज़ करते हैं उसको मैंने लगाया। देखते हैं कि आज कासन अल्ट्रा मिनो जो लूर है उससे कोई एक्शन मिलता है क्या। अभी तक तो कोई एक्शन मिला नहीं। फिश तो है लेकिन आ नहीं रहा है, पकड़ नहीं रहा है लूर को। सामने जो रॉक देख रहे हो उसके काफ़ी करीब हो सकता है फिश जो आप बाहर की तरफ आना नहीं चाह रहा है।
हॉपर की खासियत ये है कि अगर ट्रिवेली है तो दो या तीन पॉप में ही आके वो बाइट कर लेता है लोर को। तो आप देखते ही रह जाओगे, लगता नहीं है। ऑलमोस्ट ड्रैग को जाम किया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर जैसे फिश लगता है सीधा रॉक की तरफ भागता है वो, इसलिए हमने ड्रैग को जाम रखा है यहाँ। स्पिनिंग सेटअप यूज़ करूँगा। ये अजीज को अच्छा वाला स्ट्राइक मिला, अच्छा स्ट्राइक मिला। स्टैंड मारो, डोंगी स्टैंड मारो, फटाफट। अच्छा स्ट्राइक मिला अजीज को ट्रिवेली। सी मानो सारा गोसा में, क्योंकि इतना स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर है, ड्रैग ऑलमोस्ट जाम है। नहीं नहीं उसमें बस 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 बंद कर दो, बंद कर दो, काट दे यार, बंद कर दो। तो अब यहाँ पर फिश कंट्रोल में आ गया है। बात ऐसा है कि ट्रिवेली जब बाइट करता है और डायरेक्ट जाता है रॉक के अंदर, क्योंकि जिस वाले हिस्से में हम फिशिंग कर रहे हैं यहाँ बहुत ज़्यादा रॉक है, और अजीज़ जो है पेन का वॉरमोंगर रॉड यूज़ कर रहे हैं, और ये रॉड बड़ा टफ है, और साथ में जो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो है सिमानो सारागोसा 14,000 और एक मीडियम साइज ट्रिवेली है, मीडियम साइज ट्रिवेली। बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, अच्छा क्या चाहिए, जीटी आइसक्रीम में। जैसे जाके छोटा कोकारी नहीं बाइट जैसे ही किया तो वहां में पानी में आवाज आया जोरदार, बूम बेबी। स्लो पिच चिगिंग का जो टेक्निक, ये देखो लगी है।
बाइट बाइट अच्छा बाइट अच्छा बाइट रैंक जो है ये यहाँ में स्लो वर्टिकल जिगिंग अच्छा फाइट दे रहा है जो भी ये गहरे पानी में मेजर क्राफ्ट जीत पा रहा जैसा मैंने स्क्रीन में आपको दिखाया था अजीज ने जिस प्रकार से जिगिंग किया वैसे ही एक्शन था मेरा भी ओह जो है मीडियम साइज है। इससे पहले साजिद जो हैंडलाइन खेल रहे थे उनको हैंडलाइन में बाइट किया था जेगिंग एक सरप्राइज पैकेज रहता है कि अंदर से क्या निकल कर बाहर आता है हमें मालूम रहता नहीं है। ओह आह लवली परफेक्ट मेजर क्राफ्ट जीत पा रहा और इसमें कैच किया है एक ट्रिवेली डबल हुकअप है बहुत ही बढ़िया फिश है ये गहरे पानी का फिश है नाम जो है हैंडलाइन में फिश निकाल रहे हैं अभी दो दिन पहले ही मनाफ ने हैंडलाइन में 27 kg का एक GT निकाला था इसी हैंडलाइन में और हैंडलाइन के स्पेशलिस्ट हैं तो देखते हैं कि मनाफ क्या निकाल रहे हैं। डबल स्ट्राइक है इधर एक बार दिखा दे मना पीछे है ये डबल स्ट्राइक है यहाँ लोकल भाषा में इसको पत्थर पुटी बोलते हैं और डबल स्ट्राइक स्लो पिच जिगिंग और फास्ट जिग और स्लो जिग में अभी जो अजीज़ यूज़ कर रहे हैं ये फास्ट जिग यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए अजीज़ ने अब स्लो पिच में स्लो जिग जो होते हैं उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताया था। हेलो फ्रेंड्स बेट्स एंड बाइट्स फिशिंग एडवेंचर ऑफ अंडमान के आज के हमारे एक और एक नए एपिसोड में फिर से एक मतलब आपका स्वागत आवाज़ बैठा हुआ है। सबसे पहले मैं उन सभी जो हमारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और मेरे जो वीडियोस हमारे चैनल का वीडियोस देखने वाले सभी फ्रेंड्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज हमने ओपन सी फिशिंग किया और सवेरे के वक्त अमूमन जैसे हम निकलते हैं आज भी वैसे निकले साथ में आज हमारे मोनू यानी साजिद और मेरे साथ में है मनाफ जो हैंडलाइन के किंग है और सामने कैप्टन अजीज़। तो फ्रेंड्स आज हमने कुछ एक आध GT का शिकार किया है और कुछ हैंडलाइन में हमने खेला है तो हैंडलाइन में हमने जो कैच किया है वो ये है और जिगिंग भी की है हमने एक स्ट्राइक हुआ है इसमें जिगिंग में। तो फ्रेंड्स मैं फिर से एक मरतबा शुक्रिया अदा करूँगा जितने जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को काफ़ी कम समय में आज मेरे तकरीबन 450 सब्सक्राइबर हैं उन सभी का फिर से एक मरतबा शुक्रिया।